हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 6.3 की। ये है न्यू बालाजी प्रकाशन क्लास 9th की बुक, जो कि आप देख सकते हैं, ये देखिए। और इसके पहले क्वेश्चन यानी 6.2 हमने पहले वीडियो में करा दिया है, और उसमें हमने आपको सिखाया कि डिवाइड कैसे करना है और सारी चीज़ उसमें बताई हैं। तो एकदम एक्सरसाइज, अगर यदि आपने 6.2 अच्छे से पढ़ लिया है तो एकदम ईजी होगी आपके लिए। यदि आपने उसको नहीं पढ़ा है तो आप जाके उसको देख के और पढ़ लीजिए और सारे क्वेश्चन उसके कर लीजिएगा। तो उसके बाद इसको करेंगे तो आपको बहुत ही आसान रहेगा समझने में। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि यानी कि प्रूव करना है 3x-2 यानी 3x-2 किसका, यह इसका एक बहुपद दिया गया है, इसका मतलब एक फैक्टर है, और ये आपकी इक्वेशन दी गई है तो इसके गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड का मतलब क्या है, यदि आप इससे इसमें डिवाइड कर दें, यदि आपका जीरो आ जाए तो यह गुणनखंड होगा, और यदि जीरो नहीं आता है तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। इसके करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले हम आपको एक तरीका बताते हैं, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में दूसरा तरीका बताएंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि आपने ये क्वेश्चन ऐसे समझ लिया है तो उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन एकदम ईजी तरीके से हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छे से एक क्वेश्चन को समझना है। देखिए, इसके करने के दो तरीके हैं, या तो आप सीधे इससे आप इसमें डिवाइड कर दीजिए इस मेथड से, ठीक है, या तो दूसरा एक मेथड है आपका 3x-2 = में 0 पुट कर दीजिए और x = 3x = में क्या हो जाएगा 2, इधर जाएगा प्लस में बदल जाएगा, और x = में क्या हो जाएगा 2 / 3। यदि x की वैल्यू आप इसमें पूरे क्वेश्चन पुट कर देंगे तो आपका 0 आ जाएगा, तो ये गुणनखंड होगा। अगर 0 नहीं आता है तो ये गुणनखंड नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए, हम आपको ये तरीका सिखाते हैं कैसे करेंगे। क्या हो जाएगा 3x-2 / 3x²³ + x²-20x + 12। तो देखिए, यहाँ तो 3x है, यहाँ भी 3x है, तो यहाँ क्यूब है, यहाँ 1 है, इसकी पावर 3, इसकी पावर कितनी है 2 है। तो क्या करना है आपको, x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करा देना, तो क्या हो जाएगा 3x³। ध्यान में रखना है, सबसे पहले इसको काटना है, प्लस माइनस में क्या हो जाएगा 2x², जैसे ही आपने देखा ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, प्लस में जो संख्या प्लस होती है तो माइनस में बदल जाती है, जो माइनस में उस प्लस में बदल जाती है, नीचे वाली संख्या, ऊपर वाली नहीं, नीचे वाली केवल। तो देखिए, ये हमारा कट जाएगा, उसके बाद ये प्लस प्लस होकर क्या हो जाएंगे, अब इससे आपको कोई मतलब नहीं है, किससे मतलब है, इन दोनों से मतलब है। तो क्या हो जाएगा 3x²-20x + 12 आ जाएगा ये। उसके बाद जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ 3x है, 3x तो मिल रहा है, पर यहाँ स्क्वायर, यहाँ x है, यानी इसकी पावर क्या है, ज़्यादा 1, तो आपको क्या करना है, प्लस में x के मल्टीप्लाई करा देना, तो क्या हो जाएगा 3x²-2x, यानी कि 2x हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए ये तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस से कट जाएगा और ये हमारा प्लस बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 18x + 12 आ जाएगा। ओके, अभी देखिए यहाँ हमारा कितना है, माइनस का 18 है, प्लस माइनस हमने, माइनस संख्या क्या है, बड़ी है। उसके बाद यहाँ 12 है, फिर क्या करना है, देखिए यहाँ 18 है और ये 3 है, तो ये तिछंग 18, यानी कि 6 बार हमारा जाएगा। तो क्या करना है, माइनस का 6 बार इसमें जैसे आप डिवाइड करेंगे तो माइनस का 18x आ जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये प्लस में हो जाएंगे। देखिए, हमने एक ही एकदम उतार लिया है, तो जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये हमारा ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, आ जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या है हमारा, यह इसका बहुपद है और इसका गुणनखंड भी है। तो आप इसमें लिख देना है यस, हाँ। तो हमारा देखिए प्रूफ हो गया, यानी कि 0 बार 0 आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, गुणनखंड है। दूसरा तरीका क्या है इसको करने के लिए, देखिए दूसरे तरीके में क्या करना है आपको, x की वैल्यू पुट कर देना होल इक्वेशन, तो देखिए p/2/3 रख देना है, ये तो दिया है हमारा, क्योंकि px तो दिया है हमारा, देखिए तो हमने यहाँ क्या कर दिया, 2/3 पुट कर दिया है। उसके बाद जैसे इक्वल टू में करेंगे, 3 × 2/3³ + 2/3² - 20 × 2/3 + 12 लिख देना है, ऐसे ही आप सीधा सीधा। ये आपको और आसान क्वेश्चन है, ये इस तरह आपको और आसान लगेगा। देखिए 2³ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो फिर से लिख दिए हैं 3 × 2 = 2 × 4 = 8। 2³ कितना होता है, 8 होता है, 2 का मतलब 2 का क्या हो जाता है, घन, और 3 का घन क्या हो जाएगा, 3 × 9 = 27, 3 का क्यूब 27
प्लस लगा दीजिए उसी तरह। इस बार क्या करना है, स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर 4 अपन में 9 आ जाएगा, माइनस 20 इसी तरह लिख दीजिए, इंटू है तो इंटू लगा दीजिए, 2 अपान में 3 लिख दीजिए, फिर प्लस में 12 ऐसे लिख दीजिए सेम सेम। फिर देखिए 3 से हमारा ये क्या हो रहा है, कट रहा है 3 27 तो काट दीजिए, 8 अपान में 9 प्लस 4 अपान में 9 माइनस 2 20 2 9 40 यानी 40 अपान में 3 प्लस में 12। अभी आपको क्या करना है, देखिए कि सामान आपका भिन्न बन चुका है यानी कि फ्रैक्शन बन गया है, तो आपको क्या करना है सीधे इसका एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ नीचे 1 है तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ 9 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1, तो 1 के इसमें मल्टीप्लाई होता है 8, प्लस लगा दीजिए उतर इसका भी इसमें डिवाइड होगा तो 1 आएगा और इसमें मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ 4 आ जाएगा, माइनस लगा दीजिए उसी तरह 3 * 9 यानी कि 3 बार ये जाएगा और 3 के इसमें मल्टीप्लाई देखिए 3 * 9। फिर देखिए जैसे आपने अपने इसमें 3 का डिवाइड किया है तो 3 * 9 और इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 3 बार जाएगा ना तो 4 * 3 = 12 यानी कि 120 और प्लस में 12 नहीं है, 1 बार जाएगा तो 12 नहीं है 108। उसके बाद प्लस प्लस वालों को प्लस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, जैसे आप इसका 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 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 120 माइनस में 120 अपान में 8 तो क्या हो जाएगा 0 अपान में 8 का मतलब क्या है 0। देखिए ये भी हमारा 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा एक गुणनखंड है। फिर क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 2 सिद्ध कीजिए कि x माइनस 1, देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, x माइनस 1 दे दिया गया है गुणनखंड और बहुपद यानी कि फैक्टर क्या दिए गए हैं, क्वेश्चन आपकी क्या है, x की पावर 20 माइनस 1 और x की पावर 21 माइनस 1। तो आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड है या नहीं तो बताना है। देखिए हमने आपको जैसे ऊपर बताया था तो क्या करना है, x माइनस 1 इक्वल टू में 0 पुट कर देना है, फिर x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तभी आपको क्या करना है, पी एक्स इक्वल टू में क्या दिया है, x की पावर 20 माइनस 1 ठीक है, और इधर और लगा कर इधर क्या दिया है, पी एक्स इक्वल टू में क्या दिया है, x की पावर 21 माइनस 1 ठीक है। अभी जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पर क्या करना है, 1 रख देना है, तो p की पावर 1 इक्वल टू में 1 की पावर 20 माइनस 1 और पी की पावर 1 इक्वल एक्स की पावर सॉरी 1 की पावर 21 माइनस 1 ऐसे हो जाएगा आपका। तो जैसे आप x की पावर क्या करें, देखिए 1 की पावर कुछ भी हो तो क्या आता है, 1 ही आता है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 और लगा दीजिए इधर, और इधर क्या हो जाएगा इक्वल टू में 1 माइनस 1 क्योंकि इसकी पावर 21 है तो 1 आ गया, ये भी 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 और 0 यानी कि ये भी क्या हो रहा है, हमारा एक गुणनखंड है ठीक है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, इस तरह आपको कर लेना है। उसके बाद लिख देना है x माइनस 1 इसका किसका, x की पावर 20 माइनस 1 एंड x की पावर 21 माइनस 1 का गुणनखंड है यानी कि फैक्टर है, गुणनखंड यानी कि फैक्टर है ठीक है। अभी जल्दी करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है आपसे, 4x की पावर 4 माइनस ए एक्स क्यूब यानी कि a और प्लस 2x² + 4x + 3। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, और आपको एक गुणनखंड दे दिया गया है 1 - 2x, उसके बाद a की वैल्यू क्या करना है आपको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या करना है आपको, 1 - 2x = 0 पुट कर देना है फर्स्ट नंबर पर। सेकेंड में जैसे ही आपने देखा कि 1 - 2x इधर है तो क्या करना है, 1 = क्या हो जाएगा 2x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 नीचे आ जाएगा तो 1/2, आपको x की वैल्यू पता चल गई यहाँ से ठीक। अभी px = में क्या दिया है, लेट करना है आपको, 4x की पावर 4 माइनस ए एक्स की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 4x + 3, ये आपको एक इक्वेशन दी है। उसके बाद जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ क्या करना है, x की वैल्यू पुट कर देना, तो क्या हो जाएगा p 1/2 = में 4 * 1/2 का पावर 4 माइनस a * में 1/2 की पावर 3 प्लस 2 * 1/2 की पावर 2 प्लस 4 * 1/2 + 3 लगा देना है, ऐसे लिख देना है सीधा सीधा। उसके बाद इक्वल हमने यहाँ लगा दिया इसको, आपको इक्वल के नीचे इक्वल लगाते चले जाना है। देखिए 4 * में
वन की पावर फोर क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए आप डायरेक्ट भी इनटू करा सकते हैं। देखिए कैसे कराएंगे, वन बाई वन का ए पावर फोर है तो वन आ जाएगा, टू इंटू में टू इंटू में टू इंटू में टू हो जाएगा, माइनस ए इंटू में वन बाई वन का क्यूब क्या हो जाएगा, वन अपान में टू का क्यूब कितना हो जाएगा, एट हो जाएगा, प्लस टू इसी तरह लगा देना है और वन का स्क्वायर कहता हूँ वन हो जाएगा और टू का स्क्वायर फोर, प्लस इसी तरह लगा देना है। देखिए दो से हमारा क्या कर रहा है, फोर कट रहा है, दो दूनी चार, तो यहाँ कितना आ जाएगा, दो एक कम दो प्लस तीन, ऐसे सीधे सीधे हो गए आपका। उसके बाद देखिए टू से हमारा क्या कर रहा है, फोर कट रहा है टू आ जाएगा, फिर से टू से कट रहा है हमारा तो फिर से काट देना है, तो नीचे कितना आ जाएगा, दो दूनी चार, तो वन की पावर नीचे वन अपान में फोर माइनस एक, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए वन ए का मल्टीप्लाई वन में तो ए अपान में एट, प्लस टू का देखिए टू से हमारा फोर कट रहा है तो टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो वन बाई टू, प्लस में दो तीन और दो को क्या कर देना फाइव ऐड कर देना, कितना आ जाएगा फाइव। ओके अभी देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना, नीचे वन मान लेना है फाइव के, उसके बाद देखिए हमारा एक ये भिन्न बन रहा है तो आपको सीधे सीधे भिन्न नोट करके नीचे इसका एलसीएम ले लेना है। जैसे आप इसका एलसीएम लेंगे नीचे भिन्न बनाकर तो एलसीएम कितना आ जाएगा, चार यहाँ आठ यहाँ दो, देखिए यहाँ नीचे एलसीएम आ जाएगा एट आ जाएगा, इतना तो आपको आता ही होगा। उसके बाद इसका इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जो आता है उसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो चार दो नाई आठ, दो बार जाएगा तो यानी कि टू वन जा टू, माइनस इसमें तो वन आ जाएगा यानी कि ए आ जाएगा, एट वन जा एट, प्लस दो चक्को आठ, इसका मतलब यहाँ चार, प्लस यहाँ वन है तो वन का डिवाइड इसमें करेंगे तो एट आ जाएगा, एट का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, आठ पाँच चालीस, इक्वल टू में इसके क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, होता है कि नहीं होता। अभी आगे क्या हो जाएगा, जैसे आप इन तीनों को प्लस करेंगे, इसको 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 प्लस करेंगे, प्लस प्लस वालों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 46 माइनस ए अपान में एट इक्वल टू में जीरो। उसके बाद एट को उधर भेज देंगे तो जैसे ही ये उधर जाएगा तो 46 माइनस ए इक्वल टू में जीरो इंटू में एट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 46 माइनस ए तो आपका इक्वल टू में जीरो है, तो ए इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ए उधर जाएगा, यानी कि इधर ले लीजिए चाहे उधर ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, 46। तो आपको यही क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। तो आपको एक ही वैल्यू पूछ रही थी, ये हमने बता दिया 46 आ रहा है। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिया। उसके बाद चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कह रहा है, यदि एक्स प्लस ए आपको दिया है, एक्स प्लस ए कॉमा लगाकर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, देखिए दो इक्वेशन दी गई हैं इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू और एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल, और तब आपको क्या कर प्रूव करना है, ए इक्वल टू में एन माइनस क्यू अपान में एम माइनस पी, ठीक है, आपको ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है, सबसे पहले हमने आपको बताया है जो भी आपको ये गुणनखंड दिया है उसके इक्वल टू में क्या करना है, जीरो पुट करना है, एक्स प्लस ए इक्वल टू में क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अभी जैसे आपने देखा एक्स इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू में क्या आ जाएगा, माइनस ए। अभी जहाँ जहाँ आपको एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या करना है, ए की वैल्यू पुट करना है। तो सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को ले लेना है और इन दोनों इक्वेशन को इक्वल में रख लीजिए, या तो आप इक्वेशन फर्स्ट बनाइए या तो सेकंड बनाइए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए इक्वेशन आप फर्स्ट बना लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू में क्या है, जीरो है। उसके बाद जहाँ जहाँ आपको एक्स रखा है वहाँ क्या करना है, माइनस ए स्क्वायर प्लस पी इंटू में माइनस ए प्लस में क्यू इक्वल टू में जीरो। अभी ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए का क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, प्लस लगा दीजिए और देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, जैसे माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो माइनस पी ए प्लस में क्यू इक्वल टू में जीरो, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लीजिए। ओके उसके बाद आपको क्या करना है, अभी इस इक्वेशन का ले लेना है, इसको इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, देखिए जैसे यहाँ आप माइनस ए रखेंगे तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस एम इंटू में माइनस ए प्लस एन हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में एम ए प्लस एम, तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेकेंड। अभी आपको क्या करना है, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आप देखेंगे तो आपका ए स्क्वायर इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, पी क्यू माइनस
क्यों? क्योंकि जब इधर जाएगा तो ये प्लस में बदल जाएगा और ये माइनस में बदल जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। ये भी तो ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर है, तो चाहे आप इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, चाहे इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर एकदम एक्यूरेट आ जाएगा। तो चलिए हम इसमें पुट कर देते हैं, तो आपकी ए की वैल्यू क्या है, पी क्यू माइनस क्यू माइनस एम ए प्लस एन इक्वल टू में क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, अभी आप देखिए, आपको यहाँ लिखना है यहाँ पास कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस तरह आपको लिख देना है। क्या लिख देना है, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन ए स्क्वायर इन इक्वेशन सेकेंड, चाहे आप इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, बात वही रहेगी। ठीक, अभी देखिए आपको क्या करना है, ए ए वालों को साथ ले लेना है। सॉरी, ये हमारा ए था, हमने इसको क्यों बना लिया है, ये हमारा ए है, यहाँ देखिए हमने ए पुट किया था ना, तो ये हमारा ए है, तो यहाँ हमारा ए हो जाएगा ये भी। तो ए वालों को आपको साथ लेना है, तो पी ए माइनस एम ए इक्वल टू में ए माइनस क्यू प्लस एन। ठीक, अभी ए आपको इसमें से क्या कर रहा है, कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो आपको कॉमन ले लेना है, तो ए पी माइनस एम। ठीक, अभी ये उधर जाएगा, या तो आप इसको उधर भेज दीजिए या तो आप इसको इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो चलिए माइनस क्यू प्लस एन हम ऐसे लिख देते हैं, इधर जीरो पुट कर देते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, उधर भेज देते हैं जीरो के उधर, तो क्या हो जाएगा, एन माइनस क्यू, देखिए एन माइनस क्यू इक्वल टू में ये आपका ए तो ऐसे ही रहेगा, ठीक, और ये माइनस में बदल जाएगा क्योंकि पूरी संख्या उधर जाएगी, तो माइनस में पी माइनस एम, सीधे सीधे आपका ऐसा हो जाएगा। अभी देखिए इस इक्वेशन को आपको हम एकदम इजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, एन माइनस क्यू इक्वल टू में माइनस ए पी प्लस में ए एम। ठीक, अभी आगे क्या हो जाएगा, ए कॉमन होगा तो एम माइनस पी। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि हमने इसको आगे कर लिया, इसको पीछे कर लिया। अभी इसको क्या करना है, इसको नीचे भेज देना है, तो n माइनस क्यू अपान में m माइनस पी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, a, क्योंकि हमने इसको क्या करता है, इधर भेज दिया, यहीं से आपको क्या हो जाएगा, इक्वेशन प्रूफ हो जाएगी। तो क्या लिखना है, हेंस प्रूव्ड। देखिए अभी इसको आप फिर समझ लीजिए, सबसे पहले इसको आपको ध्यान में रखना है, इसकी इक्वल टू में जीरो पुट करके आपको एक्स की वैल्यू निकाल लेना है, फिर एक्स की वैल्यू इसमें दोनों इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक, उसके बाद जैसे ही आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी, तो आपको ए की वैल्यू इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, तो आपको क्या करना है, एक दूसरा तरीका भी है, देखिए कैसे करते हैं। आप इन दोनों इक्वेशन को साथ में ले लीजिए, क्या है, ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू इक्वल टू में इसको पुट कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस में एम ए प्लस एन। ठीक है, ऐसे आप इसको लिख लीजिए, या तो दूसरा तरीका है कि आपका, उसके बाद ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट लीजिए, फिर माइनस माइनस वाले इधर भेज दीजिए, देखिए ये क्यों है, माइनस कहीं इधर आ जाएगा, तो माइनस में प्लस कहीं इधर आ जाएगा, माइनस में इक्वल टू ऐसे लगा दीजिए, ये माइनस का एम ए है, और ये पी ए उधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, पी ए माइनस का एम ए। अभी आपका इसमें से ए कॉमन दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए पी माइनस एम। ठीक, देखिए एकदम तीन लाइन में आंसर हो जाएगा ये, तो क्यू माइनस एन है आपका, अभी पी माइनस ए ये तो हमारा मल्टीप्लाई में है, तो इसको क्या करना है, नीचे भेज देना है, तो पी माइनस एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बीच में ही वीडियो सुनकर चले जाते हैं और उनको पूरा कॉन्सेप्ट पता नहीं चल पाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, यदि एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू फाइव नंबर इफ़ गिवन, क्या है, एक्स प्लस टू आपका एक व्यंजक है और इक्वेशन क्या दे रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी और बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी आपकी इक्वेशन है, वो भी एच सी एफ समावर्तक दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ए इक्वल टू में बी एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में जीरो, तब आपको इतना प्रूव करना है। ठीक है, देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कैसे प्रूव करेंगे,
जैसे हमने इन दोनों क्वेश्चन को आप इक्वल में रखा था, इस तरह इसको भी रख लीजिए। तो सबसे पहले आपको इसको देखना है, तो क्या है एक्स प्लस टू इक्वल टू में आप जैसे पुट करेंगे जीरो, तो एक्स इक्वल टू में क्या आ जाएगा माइनस में टू। ठीक, अभी जहाँ जहाँ आपको एक्स दिख रहा है वहाँ क्या करना है माइनस टू पुट कर देना, तो क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में पी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी। ठीक, उसके बाद जहाँ आपको एक्स दिख रहा है वहाँ क्या करना है माइनस टू, तो ए इंटू में माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू में माइनस टू प्लस सी इक्वल टू में बी इंटू में माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस ए इंटू में माइनस टू प्लस सी। अभी देखिए हमारा प्लस सी इधर भी है और प्लस सी इधर भी, तो हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ओके, अभी माइनस टू का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा फोर, तो फोर ए माइनस टू बी, माइनस टू कैसे मल्टीप्लाई माइनस टू बी इक्वल टू में क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर का क्या हो जाएगा फोर बी माइनस में टू ए। अभी देखिए हमारी होल इक्वेशन क्या कर रहे हैं, टू से डिवाइड कर रहे हैं, हो रही है तो डिवाइडिंग बाई टू ऑन होल इक्वेशन, इस तरह लिखना आप उस पूरी इक्वेशन में होल टू से डिवाइड कर देना तो क्या हो जाएगा, यानी कि भाग देना है, तो टू ए माइनस बी इक्वल टू में टू बी माइनस ए। अभी देखिए टू टू वालों को एक तरफ और बी और ए सिंगल सिंगल वालों को एक तरफ, क्या हो जाएगा टू ए माइनस टू बी इक्वल टू में बी माइनस ए, ये उधर जाएगा प्लस में और ये तो माइनस में है ही है। तो देखिए आपको जैसे ये इक्वेशन दिख रही है तो क्या हो जाएगा, आपको प्रूफ क्या करना था ए इक्वल टू में बी, ये तो आपको प्रूफ करना है। तो जैसे आप देखिए यहाँ चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, तो आपका क्या हो रहा है बी माइनस ए इक्वल टू में जैसे आप पुट करेंगे जीरो, तो ए बी इक्वल टू में क्या आ जाएगा ए, ये आपको प्रूफ करना था ए इक्वल टू में बी चाहे बी इक्वल टू में, हिंस प्रूव्ड हो जाएगा ये। आगे प्रूफ क्या करना है ए प्लस बी प्लस सी, तो जैसे ही आप इसकी वैल्यू किसी में भी रख दीजिए तो आपको ये प्रूफ हो जाएगा। मान के चलिए आपकी वैल्यू यहाँ और ए इक्वल टू में बी प्रूफ करने का एक तरीका और है, देखिए कैसे आपको इसको जैसे आपको नहीं लेना है तो क्या हो जाएगा टू ए इधर आएगा, ये ए इधर आएगा किसमें हो जाएगा प्लस में ए इक्वल टू में बी इधर तो है ही है इधर जाएगा किसमें हो जाएगा प्लस में टू बी। अभी क्या हो जाएगा थ्री ए इक्वल टू में थ्री बी। ठीक है, अब ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से होगा, तो थ्री से थ्री हमारा कट जाएगा तो ए इक्वल टू में बी आपको यहाँ से प्रूफ हो जाएगा, इस तरह आपको प्रूफ करना है। उसके बाद तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, आपका ये क्वेश्चन नंबर सिक्स लास्ट क्वेश्चन होगा, और जो भी आपको डाउट कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा इस एक्सरसाइज में। क्या कह रहा है x माइनस वन, आपको एक क्या कह रहा है व्यंजक है, यदि x माइनस वन और व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये क्या है व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस वन है, और क्या दिया है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी और एक्स प्लस वन का महत्तम समार्थ यानी कि एच सी एफ है, तो सिद्ध कीजिए क्या प्रूव करना है ए इक्वल टू में टू बी, ये आपको क्या करना है प्रूव करना है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको क्या देखना है इसको ही देखना है, इस तरह हमने आपको सारे क्वेश्चन बता चुके हैं। तो x माइनस वन जैसे इक्वल टू में जीरो पुट करेंगे तो x इक्वल टू में क्या आ जाएगा वन, तो देखिए यदि आपको x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे यदि जीरो आ रहा है तो ये आपके क्या हो जाएगा एच सी एफ हो जाएगा। तो जैसे देखिए इसको वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो वन स्क्वायर माइनस वन, तो वन माइनस वन क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, यानी कि तो एच सी एफ है। तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है तो आपको क्या कर लेना है लेट पी एक्स इक्वल टू क्या दिया है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन सॉरी। अभी जहाँ जब इसमें आप वन पुट कर देंगे तो पी वन इक्वल टू में ए की ए वन का स्क्वायर माइनस बी वन प्लस वन। ठीक है, अभी देखिए यहाँ क्या हो जाएगा एक स्क्वायर इस वन के स्क्वायर करेंगे तो वन आएगा, वन किस में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ए माइनस वन प्लस वन कितना आ जाएगा टू, तो कितना आ जाएगा टू बी। तो देखिए यहीं से आपको प्रूव हो गया ए माइनस टू बी आपको क्या करना था प्रूव करना था। तो यहाँ क्या है ए माइनस टू बी, देखिए नेक्स्ट पेज में करते हैं अभी, तो ए माइनस टू बी इक्वल टू में आप जीरो पुट कर दीजिए तो ए इक्वल टू में क्या आ जाएगा टू बी, तो हेंस आपके क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा, हेंस प्रूफ्ड आपके क्या हो गया सिद्ध हो गया यहाँ से। तो चलिए यदि आपको कोई एक्सरसाइज चाहिए
तो आप हमें कमेंट करके पूछ लिए बता दीजिएगा कौन सी एक्सरसाइज चाहिए, और उसके बाद हमको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।